हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल, मैं आपके साथ शमशाद हुसैन। काम के चक्कर में कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपने यहाँ बाहर काम कर रहे हैं, तो कुछ परिवार ऐसे हैं जो रोजी रोटी चलाने के लिए अपने देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं। तो वहीं कुछ परिवार के ऐसे भी लोग हैं जो अपने देश को ही छोड़कर विदेशों में काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी यहाँ पर मजदूर हैं जो काम करने के लिए जाते तो सही हैं, लेकिन वहाँ पर वो फंस जाते हैं। सैलरी कुछ कहा जाता है, जैसे हम विदेशों की बात करें तो यहाँ इंडिया में उनको सैलरी कुछ कहा जाता है, काम कुछ कहा जाता है, वहाँ पर काम कुछ और दिया जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर जो उनको जो सैलरी मिलती है वो भी कम मिलती है। कई बार तो ऐसे भी वहाँ पर केसेस देखने को मिले हैं जहाँ पर उनकी सैलरी ही नहीं मिल रही है। तो ऐसे मजदूरों की सहायता के लिए 24 घंटे में इनका जो है पूरी तरह से देख रेख किया जाएगा और 24 घंटे में इनको सहायता दिया जाएगा। तो क्या है आर्टिकल, आइए विस्तार से हम आपको बता दें। देश विदेश में फंसे मजदूर को अब 24 घंटे में सहायता मिलेगी। राज्य भर से देश विदेश में काम करने गए मजदूरों की परेशानी अब 24 घंटे में दूर होगी। ऐसी मजदूरों के लिए श्रम संसाधन विभाग लेबर लाइन सेवा शुरू करने जा रहा है बहुत ही जल्द। आपको बता दें, श्रम संसाधन विभाग ने इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश सभी अधिकारियों को भी दे दिया है। लेबर लाइन अब देश विदेश में फंसे मजदूर अपनी परेशानी बिहार सरकार से सीधे साझा कर पाएंगे, यानी उनकी जो भी समस्या होगी वो बिहार सरकार से सीधे साझा कर पाएंगे, सीधे उनको बता पाएंगे और उनकी परेशानियों का निपटारा 24 घंटे में हो जाएगा। यहाँ वैसे सभी मजदूरों की परेशानियाँ का रिकॉर्ड किया जाएगा जो देश या देश के बाहर काम कर रहे हैं। मजदूरों के लिए यह सेवा 24 घंटे काम करेगी। वहीं कोई मजदूर कभी भी शिकायत दर्ज करा सकता है 24 घंटे में, कभी भी। मजदूरों की परेशानी को संबंधित विभाग के माध्यम से दूर किया जाएगा। उम्मीद है कि लेबर लाइन सुविधा जो है दिसंबर तक शुरू कर दिया जाए। यह सुविधा बिहार में मजदूरों को राजस्थान की तर्ज पर मिलेगी। आगे बताया गया है कि कॉल सेंटर में फोन करने के लिए पैसा नहीं देना होगा, यह नंबर पूरी तरह से टोल फ्री होगा। तो जो भी कामगार हैं जो अपने देश में किसी दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं या फिर विदेशों में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही लाभ यह साबित होगा। इस तरह की सुविधा मिल जाती है तो वो डायरेक्ट अपनी समस्या को डायरेक्ट मुख्यमंत्री से साझा कर सकते हैं। ये छोटा सा अपडेट, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद का अपने परिवार का ख्याल रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।